देवी और सज्जनों, आपको सभी देशवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत के संविधान का ये 75वां साल पूरे देश के लिए एक असीम गौरव का विषय है। मैं आज भारत के संविधान को संविधान सभा के सभी सदस्यों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, हम लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण पर्व का जो स्मरण कर रहे हैं, उस समय ये भी नहीं भूल सकते कि आज मुंबई में हुए आतंकी हमले की भी बरसी है। इस हमले में जिन व्यक्तियों का निधन हुआ, उन्हें मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं देश का यह संकल्प भी दोहराता हूं कि भारत की सुरक्षा को चुनौती देने वाले हर आतंकी संगठन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। साथियों, संविधान सभा की लंबी बहस के दौरान भारत के गणतांत्रिक भविष्य पर गंभीर चर्चाएं हुई थी। आप सभी उस डिबेट से भलीभांति परिचित हैं। और तब बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था, Constitution is not a mere lawyer's document. Its spirit is always the spirit of age. जिस स्पिरिट की बात बाबा साहब कहते थे, वो बहुत ही अहम है। देश काल परिस्थिति के हिसाब से उचित निर्णय लेकर हम संविधान की समय समय पर व्याख्या कर सकें, ये प्रावधान हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें दिया है। हमारे संविधान निर्माता ये जानते थे कि भारत की आकांक्षाएं, भारत के सपने समय के साथ नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। वो जानते थे कि आजाद भारत की और भारत के नागरिकों की जरूरतें बदलेगी, चुनौतियां बदलेगी। इसलिए उन्होंने हमारे संविधान को महज कानून की एक किताब बनाकर नहीं छोड़ा, बल्कि इसको एक जीवंत निरंतर प्रवाहमान धारा बनाया। साथियों, हमारा संविधान हमारे वर्तमान और हमारे 2.5 करोड़ घर ऐसे थे जो शाम होते ही अंधेरे में डूब जाते थे। उन घरों में बिजली कनेक्शन ही नहीं था। सबको बिजली का मुफ्त कनेक्शन देकर देश ने उनके जीवन को रोशन कर दिया है। बीते वर्षों में दूर सुदूर इलाकों में भी हजारों की संख्या में मोबाइल टावर्स लगाए गए हैं, ताकि लोगों को 4G 5G कनेक्टिविटी मिलती रहे। पहले कभी आप अंडमान या लक्षद्वीप जाते थे तो वहां ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी नहीं मिलती थी। आज अंडर वॉटर ऑप्टिकल फाइबर ने ऐसे द्वीपों तक भी अच्छी स्पीड वाला इंटरनेट पहुंचा दिया है। हमारे यहां गांव के घरों, गांव की जमीन से जुड़े कितने विवाद होते रहे हैं, ये भी हम भलीभांति जानते हैं। पूरी दुनिया में विकसित देशों के सामने भी लैंड रिकॉर्ड एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, लेकिन आज का भारत इसमें भी लीड ले रहा है। पीएम स्वामित्व योजना के तहत आज गांव के घरों की
ड्रोन मैपिंग की जा रही है और लीगल डॉक्यूमेंट इश्यू किए जा रहे हैं। साथियों, देश के विकास के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का तेज निर्माण भी उतना ही जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट समय पर पूरे होने से देश का धन भी बचता है और प्रोजेक्ट भी उसकी उपयोगिता भी बहुत बढ़ जाती है। इसी सोच के साथ प्रगति नाम से एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसमें इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का रेगुलर रिव्यू होता है और इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स तो ऐसे होते जो 30 30 40 40 साल से पेंडिंग थे। मैं खुद इसकी मीटिंग को चेयर करता हूं। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि अभी तक 18 लाख करोड़ रुपए के ऐसे प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करके उनके सामने की अड़चनों को दूर किया जा चुका है। समय पर पूरे हो रहे प्रोजेक्ट्स लोगों के जीवन पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। देश में हो रहे ये प्रयास देश की प्रगति को भी गति दे रहे हैं और संविधान की मूल भावना को भी सशक्त कर रहे हैं। साथियों, मैं अपनी बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के शब्दों के साथ समाप्त करना चाहूंगा। 26 नवंबर आज के ही दिन 1949 में संविधान सभा में अपने समापन भाषण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था, भारत को आज ईमानदार लोगों के एक समूह से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए जो अपने हितों से आगे देश का हित रखेंगे। नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वप्रथम की यही भावना भारत के संविधान को आने वाली कई कई सदियों तक जीवंत बनाए रखेगी। मैं संविधान ने मुझे जो काम दिया है मैंने उसी मर्यादा में रहने का प्रयास किया है। मैंने कोई एंक्रोचमेंट की कोशिश नहीं की है क्योंकि संविधान ने मुझे वो काम कहा, इसलिए मैंने अपनी मर्यादाओं को संभालते हुए अपनी बात को रखा है। यहां तो इशारा ही करना होता है, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।